हाय एवरीवन, बारिश का मौसम सभी का फेवरेट होता है ना। लेकिन बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं और बहुत सारे इन्फेक्शन भी होते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फंगल इन्फेक्शन में यूज की जाने वाली क्रीम के बारे में बताऊंगी। फंगल इन्फेक्शन में जो क्रीम यूज की जाती है उसका नाम है क्लोट्रिमाजो। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्लोट्रिमाजो के यूजेस क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, इंटरेक्शन विद अदर मेडिसिन यानी कि ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिनके साथ में आप क्लोट्रिमाजो क्रीम का यूज नहीं कर सकते हैं, क्लोट्रिमाजो क्रीम के मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनकी ये काम कैसे करता है, ओवरडोज करने पे क्या होगा, इन्हीं सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। क्लोट्रिमा तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोट्रिमाजो क्रीम के यूजेस की। क्लोट्रिमाजो क्रीम का यूज होता है एथलीट्स फुट यानी कि पैरों के दाग में, रिंगवर्म ये भी दाग है, और इसके अलावा टीनिया वर्सिकुलर ये भी दाग ही है। इसमें क्या होता है कि रेसेस निशान पड़ जाते हैं पैर में, इसके अलावा गर्दन, सीने के पास, बाजू में, इन सारे एरिया में ये दाग होता है। अब हम जानेंगे कि क्लोट्रिमाजो क्रीम काम कैसे करता है, कैसे आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देता है। देखिए, क्लोट्रिमाजो जो क्रीम है ना, ये एक एंटी फंगल क्रीम है, यानी कि फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करके रोक के, जब फंगस की ग्रोथ रुक जाती है तो फंगस जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप क्लोट्रिमाजो क्रीम का ओवरडोज करेंगे तो क्या होगा। ट्रबल ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में तकलीफ होगी। अब हम ये जानेंगे कि क्लोट्रिमाजो क्रीम के साइड इफेक्ट क्या है। क्लोट्रिमाजो क्रीम के साइड इफेक्ट है, नंबर वन, इचिंग यानी कि खुजली होना, इरिटेशन, जलन होना, बर्निंग, रेड कलर के रेसेस पड़ जाएंगे उस एरिया में। तो ये सारे साइड इफेक्ट है आपके क्लोट्रिमाजो क्रीम के। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि क्लोट्रिमाजो क्रीम का इंटरेक्शन क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी मेडिसिन या फिर दवाई है जिसके साथ में आप क्लोट्रिमाजो क्रीम को नहीं ले सकते हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स के साथ में आप क्लोट्रिमाजो क्रीम का यूज नहीं कर सकते। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।